हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जो वीडियो हम देखने वाले हैं सॉलिडवर्क के रिप फीचर के बारे में होने वाला है। सबसे पहले रिप फीचर हम यूज़ कहाँ करते हैं? एज ए स्टिफनर यूज़ करते हैं, मतलब जो भी फीचर्स हमारे शेल वाले फीचर्स रहते हैं या कहीं हमें सपोर्ट देना है कोई दूसरे फीचर को, तो वहाँ पर हम स्टिफनर यूज़ करते हैं। अभी एक हमने शेल बनाया है यहाँ पर और ये हम अपर फेस सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो रिप जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, फ्रॉम टॉप और फ्रॉम साइड। तो अभी ये जो केस है हमारा, ये फ्रॉम टॉप वाला केस है। यहाँ पे हम टॉप से प्रोफाइल बनाएंगे हमारा, मतलब हम टॉप व्यू में उसके प्रोफाइल बनाएंगे। ओके, तो कुछ ऐसा एक प्रोफाइल बना ले रहा हूँ मैं, जो कि हमारे पार्ट को स्ट्रेंथ देगा। ओके, तो आप नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो, क्लोज प्रोफाइल बना सकते हो, इंटरसेक्टिंग बना सकते हो, कैसे भी प्रोफाइल्स यहाँ पर बना सकते हो। देन आपको यहाँ से एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद में देखिए, अभी रिप फीचर के अंदर में हमने स्केच किया था, इसके लिए यहाँ पे थिकनेस ले लिया है। अभी देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर में ऑप्शन रहता है फर्स्ट साइड, मतलब अगर फर्स्ट साइड में आपको थिकनेस देना है या बोथ साइड देना है या वन साइड देना है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ से आप थिकनेस उसका दे सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो रहता है पैरल टू स्केच और नॉर्मल टू स्केच। तो अभी जो कंडीशन चालू है नॉर्मल टू स्केच, मतलब फ्रॉम टॉप और फ्रॉम साइड। ओके, फ्लिप मटेरियल साइड, मतलब अगर रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए आपको मटेरियल तो रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं, बट हमें जो प्रोफाइल का एंड रहता है, मतलब सॉलिड प्रोफाइल जहाँ रहता है वो साइड यहाँ पे देना पड़ता है। उसके अलावा हम यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल दे सकते हैं। स्टिफनर जो है मैक्सिमम प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइन में यूज़ होता है, यहाँ पे ड्राफ्ट देना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन सिलेक्टेड कॉन्टूर्स रहता है, अगर आप सिंपल आपको कुछ सेक्शंस कुछ रीजन सिलेक्ट करना है तो आप वो भी रीजन्स भी यहाँ पर ले सकते हो। देन हम ओके कर देंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पर हमारा जो स्टिफनर है वो जनरेट होके आ जाता है। और सेकेंड टाइप जो रहता है हमारा फ्रॉम साइड रहता है, उसके लिए हमें साइड प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। एक साइड व्यू सेलेक्ट करके एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो जैसा यहाँ पर प्रोफाइल हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे उसे, ये पॉइंट पे ला के क्लोज कर देंगे। देन एग्जिट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद में देखिए आप, हमें यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन रिप फीचर ले लेंगे यहाँ से। अभी देखिए इसका एक्सट्रूजन डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, इसे हमें फ्लिप करना है। देन यहाँ पे थिकनेस जो है वो सिंगल साइड कर देना है और इसको 20 mm थिकन कर देंगे हम और ओके कर देंगे। देखिए हमारा जो मटेरियल है वो जनरेट करके यहाँ पे दे देंगे। और जो थर्ड टाइप रहता है इसमें, वो रहता है सिलेंड्रिकल पोर्शंस के लिए। जैसा ये सिलेंडर बनाया हमने, इसको अगर आपको स्टिफनर देना है तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो। कंट्रोल एड प्रेस किया हमने, यहाँ से एक लाइन बना लेंगे। अभी जैसे यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर वो लाइन हम एक्सटेंड नहीं करेंगे तो हमारा स्टिफनर जो है वो जनरेट नहीं होगा, रिप जो है वो जनरेट नहीं होगा। ये लाइन एक्सटेंशन जो रहता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फ्लिप मटेरियल सेट कर दीजिए, अगर आपको ड्राफ्ट देना है ड्राफ्ट दे दीजिए, 5 degree का दे देते हैं हम। देन ओके कर दीजिए। इस तरह से आप यहाँ पे फिलेट रिप फीचर दे सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।